2022 और 2023 में भारत जोड़ो यात्रा था, कन्याकुमारी से कश्मीर, ये मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। क्योंकि पिछले 10 साल में जो अन्याय काल रहा है, हकीकत यह है, प्रधानमंत्री तो अमृत काल की सपने दिखा रहे हैं सभी जनता को, सभी लोगों को, पर हकीकत यह है, असली बात यह है कि पिछले 10 साल में अन्याय काल हुआ है। नारी पर अन्याय, किसान पर अन्याय, युवा पर अन्याय, हिस्सेदारी अन्याय और श्रमिकों पर अन्याय, तो इसी को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है, ताकि हम लोगों को संदेशा पहुंचाएं कि पिछले 10 साल में जो कुछ भी हुआ है, अभी उससे छुटकारा पाना है। भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल जी ने कहा था, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। इसी ऐसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय अंधकार के अन्याय में एक दिया जला रहे, न्याय का दिया जला रहे। इंडिया गठबंधन का क्या होगा, नीतीश कुमार ने जब साथ छोड़ दिया? देखिए, पलटी कुमार तो चले गए और RLD भी चली गई, 28 पार्टियां थी, अभी 26 पार्टियां हैं, मजबूत हैं, सीट शेयरिंग फार्मूला के बारे में बातचीत चल रही है और शीघ्र ही औपचारिक तौर से, क्योंकि हर एक बातचीत में लेन देन की बात होती है, हर एक पार्टी को कुछ देना पड़ता है, लेना पड़ता है, एक समझौता मैं समझता हूँ, शीघ्र ही उसकी घोषणा भी हो जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था इंडिया गठबंधन में, जिसके चलते वो साथ कुमार, नीतीश कुमार तो पलटी कुमार है, उनके खून में पलटी ही है, कितने बार वो विश्वासघात किया उन्होंने उनके सहयोगी दलों के साथ, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मैं भी नीतीश कुमार जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके साथ मैं करीब से काम किया हूँ, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, पर्यावरण मंत्री था, वो मुख्यमंत्री थे, हमारी अच्छी बातचीत हुआ करती थी, मुलाकात अच्छी हुआ करती थी, मैं उनसे हर महीने मिला करता था, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहली बैठक इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन की, 23 जून को हुआ था पटना में, उस बाद में मुंबई में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, दिल्ली में हुआ, पर हमें कुछ संकेत नहीं मिला कि वो सोच रहे हैं पलटी मारने का, पलटी मार गए। ममता बनर्जी भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं हमारे राजनीति में, अगर कोई गिरगिट है तो नीतीश कुमार जी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। ममता बनर्जी भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। ममता बनर्जी बोलती रहती हैं, हमारे लोग भी कुछ बोलते रहते हैं, तू तू मैं में होता रहता है, पर औपचारिक तौर से मैं समझता हूँ हमारे खड़गे जी ने ममता जी से बात की है, राहुल जी ने बार बार कहा है, और ममता जी ने खुद कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन के का हिस्सा हूँ और मैं BJP को हराना चाहती हूँ, वो भी हमारा मकसद। तो किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में क्या उन्होंने निर्णय दिया है, ये बिल्कुल दर्शाता है, ये मोदी सरकार जो है ना, चंदादाता का सम्मान, अन्नदाताओं का अपमान, एक और की कभी नहीं दिखा किसी की सरकार के कार्यकाल में, सड़कों पर कील लगाते हैं, ऊपर ड्रोन से आंसू की गैस फोड़ते हैं, 3 काले कानून लाए थे, वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने कुछ आश्वासन दिया था किसानों को, किसान संगठनों को, वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है, संगठन सड़क पर उतरे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उतरे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से उतरे हैं, पर चंदादाताओं को सम्मान देते हैं ये सरकार, पर अन्नदाताओं पर अत्याचार और अन्याय करते हैं। अभी भारत रत्न जिस हिसाब से दिया जा रहा है, क्या वो राजनीतिक खेल है? भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया, बड़े किसान नेता, उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन को दिया, बड़े किसान कृषि वैज्ञानिक, पर जो चरण सिंह और डॉक्टर स्वामीनाथन कहा करते थे कि किसान को सही मूल्य मिलना चाहिए, उसका तो नज़रअंदाज किया जा रहा है। स्वामीनाथन फार्मूला के आधार पर MSP की घोषणा होनी चाहिए और MSP को कानूनी दर्जा देना चाहिए, ये सब स्वामीनाथन आयोग में है, और खुद इसकी वकालत गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, आज क्यों पीछे हट रहे हैं इसको लागू करने में? ठीक है,